जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो पेपर कटिंग आप लोग देख पा रहे हैं कि सिपाही भर्ती आयु सीमा में 1 साल की छूट, दोस्तों इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल वैकेंसी आज ओली, ठीक है, कल से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसे ऐसे यूज़ किया जा रहा है इस पेपर कटिंग को, इसके साथ में कुछ और भी पेपर कटिंग्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है और आप लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी झमेले में ना पड़े। यूपी पुलिस 52,000 कॉन्स्टेबल वैकेंसी जो कि संभावित है 2021-22 में, पूरी पूरी संभावना है कि आएगी। कह नहीं सकते कब आएगी, आएगी भी नहीं भी आएगी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन संभावना है, संभावनाओं के दायरे में चल रहे हैं हम भी और आप भी। तो अभी छूट के बारे में तो बोला ही कहाँ गया है, पहले तो वैकेंसी के बारे में ही नहीं बोला गया कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, इतना ही नहीं बोला गया। अब ये जो पेपर कटिंग आप लोग देख रहे हैं, ये पेपर कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आयु सीमा में 1 साल की छूट, 19 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 20% महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए सिविल पुलिस में पद। तो भाई ये जो पेपर कटिंग है, ये पेपर कटिंग पूरी तरीके से फेक है। जब 49,568 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी तब की पेपर कटिंग है जिसे आज बढ़ा चढ़ाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जा रहा है, चंद व्यू कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए। तो भाई पैसे कमाओ, लेकिन ऐसे कमाओ कि जिसमें लोगों की खुशियाँ मिले, प्यार मिले, लोगों की गालियाँ या फिर लोगों की बददुआ ना मिले। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर कभी भी कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। मैं और लोगों को देखता हूँ कि काफ़ी सारी फेक वीडियो करके उन्होंने फेक वीडियो डाल डाल के सब्सक्राइबर अच्छे गेन कर रखे हैं, लेकिन हम लोग सच्चाई के साथ हैं। हमारा फेक वीडियो डालने से या आप लोगों को बहकाने से कोई भी हमारा मतलब नहीं है और ना ही हम फेक वीडियो डालते हैं। जो और लोग फेक वीडियो डालते हैं उनके कच्चे तक हम उन लोग उतार देते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं जो वो फेक डाल रहे हैं, हम आप लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं कि भाई इनसे बच जाइए। तो ये पेपर कटिंग कभी भी आप लोग देखें ना, सिपाही भर्ती आयु सीमा में 1 साल की छूट, तो बिल्कुल गलत अपडेट है, बिल्कुल फेक अपडेट है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है। आयु सीमा की तो दूर की बात, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। डीजीपी सीएम साहब जब मतलब वैकेंसी का जिक्र करते हैं कोई भी जो इंटरव्यू लेने के लिए जाता है तो जवाब देने से ही इनकार कर देते हैं। बस यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसी पर आप लोग कह सकते हैं, उसी पर आप लोग अपना फोकस बनाए रखिए। यूपी कांस्टेबल अभी देर लगेगी आने में, साल लगे, 2 साल लगे, कह नहीं सकते कब आएगी कब नहीं आएगी, ये भी नहीं कह सकते। हालांकि 2022 में चुनाव है, संभावना है कि तब तक आए, लेकिन पक्का नहीं है भाई कि आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ सहमत हैं, लेकिन आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करूंगा मैं। आप लोग कहते हैं सर आप लोग डीमोटिवेट कर देते हैं हमको, डीमोटिवेट मत होइए, सच्चाई को पहचानिए और आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोगों को आयु सीमा में छूट देकर मौका जरूर दिया जाएगा यूपी पुलिस में, ठीक है।